स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि आप टैली के अंदर कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ टैली प्राइम पर दो बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ओपन हो जाएगी टैली। स्टूडेंट्स टैली के अंदर जो भी फाइल्स बनाई जाती है उन सब फाइल्स को कंपनी बोला जाता है। तो जैसे ही आप क्या करते हैं टैली को ऑन करते हैं, टैली को ऑन करते ही सबसे पहले लाइसेंस के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर आप एजुकेशनल मोड में काम करना चाहते हैं तो आपको एजुकेशनल मोड पर एंटर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको ऑन होने देते हैं। अब टैली जैसे ही ऑन हुई तो यहाँ पर लिखा आ रहा है लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस के बारे में पूछना है कि आप टैली किस मोड में करना चाहते हैं, लाइसेंस मोड में करना चाहते हैं या फिर आप एजुकेशनल मोड में करना चाहते हैं। तो अगर आप एजुकेशनल मोड में टैली करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर या तो शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा या फिर आपको एंटर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टी को एंटर करती हूँ। जैसे ही मैं टी को एंटर करती हूँ तो मेरे सामने स्क्रीन आती है और इस स्क्रीन को बोला जाता है, गेटवे ऑफ टैली लिखा है, इस वाली स्क्रीन को बोलेंगे वर्किंग एरिया। उसके बाद यहाँ कंपनी इंफॉर्मेशन एरिया मिलता है, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन एरिया, यानी कि आपने जो भी कंपनी बनाई होगी, जिस भी नाम से बनाई होगी और इसमें आपने जो भी लास्ट एंट्री की होगी वो सब आपको कंपनी इंफॉर्मेशन एरिया में शो हो जाती है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम टैली के अंदर कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको क्रिएट पे एंटर करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ मास्टर्स में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, चेंज कंपनी और शो मोड। तो आपको क्या करना है, चेंज कंपनी पर एंटर करना है। जैसे ही आप चेंज कंपनी पर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज के तीन ऑप्शन मिलते हैं, सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी और शट कंपनी। तो स्टूडेंट्स आपको क्रिएट कंपनी पर एंटर करना है। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पर एंटर करते हैं तो आपके सामने कंपनी क्रिएशन एरिया ओपन हो जाता है। जैसे ही ये ओपन होता है तो इसमें लिखा आता है कंपनी नेम, यानी कि सबसे पहले आपको जो फील्ड मिलता है वो मिलता है कंपनी नेम। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंपनी, किसी भी नाम से आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी नेम डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ डाल देती हूँ एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड मिलता है मेलिंग नेम। किसी भी कंपनी को अगर आपको कोई, अगर आप कोई भी कंपनी किसी नाम से यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेलिंग नेम में भी आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं। कंपनी का नाम जो भी आपको यूज करना है वो आप मेलिंग नेम में डाल सकते हैं। मेलिंग नेम और कंपनी नेम दोनों सेम ऑप्शंस होते हैं। जैसे ही आप क्या करते हैं कंपनी नेम में एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर मेलिंग नेम मिलता है तो वो नीचे शो हो जाता है। जैसे ही शो होता है तो उसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है नेक्स्ट फील्ड एड्रेस। एड्रेस में जो भी आपने कंपनी बनाई हुई है, कंपनी का जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाला रुड़की, तो इसके बाद जितना भी आपका एड्रेस होगा आपको नेक्स्ट फील्ड मिलता है, आप इसमें शो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड आपको मिलता है स्टेट, यानी कि आपने जो कंपनी बनाई हुई है वो कौन से स्टेट में बनाई हुई है। या तो आप यहाँ पर स्टेट के लिए लिस्ट ऑफ स्टेट में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर टाइप करके भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, उत्तराखंड है तो मैंने इस पे एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछता है कंपनी, यानी कि ये जो आएगा आपका वो आता है कंट्री फील्ड। तो कंट्री फील्ड में आ जाएगा यहाँ पे इंडिया। नेक्स्ट फील्ड है पिन कोड, इसमें आपको पिन कोड टाइप करना है, जो भी आपके स्टेट का पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। एंटर जैसे ही आप करेंगे तो नेक्स्ट फील्ड आता है टेलीफोन नंबर, तो आपको यहाँ पर टेलीफोन नंबर फिल्ड करना है, टेलीफोन नंबर टाइप करना है। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, आपकी कंपनी का जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद एंटर। यहाँ फैक्स नंबर अगर आप कंपनी का डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है ईमेल, यहाँ पर आप अपनी कंपनी की ईमेल डाल सकते हैं।
उसके बाद आता है वेबसाइट। अगर आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट डाल सकते हैं। एंटर। उसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। देखिए स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो हमारा फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है और 31 मार्च में क्लोज होता है। यहाँ लिखा है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, तो इस फील्ड में कंपनी की अकाउंटिंग किस फाइनेंशियल ईयर में रखनी है, यानी कि जो कंपनी है, कंपनी का जो डेटा है वो कौन से ईयर में स्टार्ट करना है, यानी कि उसकी जो डेट रखनी है वो कौन से ईयर में रखनी है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आता है बिगनिंग, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि किस डेट से मेंटेन करना चाहते हैं, जो आप यहाँ पे कंपनी का डेटा है वो आप कौन सी डेट से मेंटेन करना चाहते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल डाल देते हैं और जो बुक्स बिगनिंग ईयर है वो 31 मार्च डाल देते हैं। ये गलत है। यहाँ पर हमें फाइनेंशियल ईयर जो है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम की कंपनी की अकाउंटिंग किस फाइनेंशियल ईयर में रखनी है वो डेट डाली जाती है, और नेक्स्ट आता है बिगनिंग में कि किस डेट में मेंटेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड आता है बेसिक करेंसी सिंबल। बेसिक करेंसी सिंबल जो रहता है वो रुपीज में रहता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, और जो इसका रुपीज का फॉर्मल नेम होता है वो होता है INR, यानी कि इंडियन नेशनल रुपीज। जैसे ही आप इस पे एंटर करते हैं तो आपको एक्सेप्ट ऑप्शन मिलता है, यानी कि इसको एक तरीके से सेव कराने के लिए, कंपनी को सेव कराने के लिए यहाँ पे आपको एक्सेप्ट मिलता है। एक्सेप्ट के लिए या तो आप वाई का यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एक्सेप्ट यानी कि एंटर का यूज कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर शॉर्टकट की मिलती है Ctrl+A का आप यूज यहाँ कर सकते हैं कंपनी को सेलेक्ट कराने के लिए। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते ही आपके सामने लिखा आएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल, यानी कि जो भी आपने कंपनी बनाई है वो कंपनी आपके बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कंपनी के कुछ फीचर्स मिलते हैं कि आप कंपनी के अंदर, यानी कि जो भी आप कंपनी बनाई है उसके अंदर किस टाइप का डेटा आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। अनेबल बिल वॉइस एंट्री करना चाहते हैं, अनेबल कॉस्ट सेंटर्स, यानी कि जो भी बिल वॉइस एंट्री रखनी है आपको, कोई कॉस्ट सेंटर बनाने हैं, GST आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ये ऑप्शंस अभी नहीं पढ़ेंगे, ये ऑप्शंस हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझते हैं कि यहाँ पे कंपनी कैसे आपको एक्सेप्ट करनी है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर का यूज करना है, एंटर करके इसको आपको एक्सेप्ट कराना है। जैसे ही ये एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपको एस्केप बटन का यूज करना है, और एस्केप बटन का यूज करने के बाद आपको कंपनी इंफॉर्मेशन एरिया में आना है। जैसे ही आप कंपनी इंफॉर्मेशन एरिया में आते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाती है कि नेम ऑफ कंपनी, जो भी आपने कंपनी बनाई हुई है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, कौन से ईयर में आपने बनाई होगी वो आपको शो हो जाएगी, कौन सी डेट में आपने यहाँ लास्ट एंट्री की होगी वो आपको शो हो जाएगी, और लास्ट एंट्री अगर आपने की होगी तो वो आपको शो हो जाएगी, पर यहाँ पर लिखा आ रहा है नो वाउचर्स एंट्रीज, अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी एंट्रीज नहीं की है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।